सुर्खी का संकल्प पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्री बोले, मैं शेर नहीं, लेकिन आप गोविंद को आशीर्वाद देंगे तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की आदत है कपड़े फाड़ने की, वो सत्ता में आई तो जनता के कपड़े फाड़ेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मैं वचन देता हूं कि जब तक जीवन है राजनीति नहीं, आपकी सेवा करूंगा। गोविंद सिंह राजपूत, मैं शेर नहीं, लेकिन आप गोविंद को आशीर्वाद देंगे तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा, क्योंकि ये चुनाव गोविंद का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। मैंने कई सभाएं की हैं, लेकिन आपकी विधानसभा में पहली बार आया हूं। फिर भी अगर आप यहां से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को जिताएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप मुझे साल भर में कभी भी बुला लेना, मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आप सभी लोगों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर प्रसन्नता हुई है, मैं जनता को शीश झुकाकर अभिवंदन करता हूं। ये बात भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में रविवार को बिलहरा पुलिस ग्राउंड पर विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुर्खी विधानसभा के संकल्प पत्र का विमोचन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर ये है कि भाजपा के लिए जनता ही जनार्दन है और कांग्रेस परिवार को ही जनार्दन मानती है। कांग्रेसियों को केवल सत्ता चाहिए है, कांग्रेस की आदत है कपड़े फाड़ने की, वो सत्ता में आई तो जनता के कपड़े फाड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिकवे शिकायत तो होती रहती है, लेकिन ये चुनाव आपके अपने लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, हमारे आराध्य श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि 22 जनवरी को आप राम लला जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने जरूर आएं। द खबरदार न्यूज से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।